चुनाव करते रहे हैं, बीजेपी कम्युनल पार्टी और हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है और मुस्लिमों को नजरअंदाज करती है, उनके लिए कुछ दुर्भावना रखती है, ऐसे आरोप लगातार लगते रहे बीजेपी पे। लेकिन जो पहला राष्ट्रपति हमारा अब्दुल कलाम बनाया था, वो भी बीजेपी के अपने कार्यकाल में बनाया हुआ था, और आज जो दूसरा राष्ट्रपति बनाया है वो भी दलित से बनाया है। क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी को उनके तमाम पार्टियों को एक इशारा है, और उन्होंने इस मैसेज के जरिए आपको बता दिया है कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और कम्युनिज्म हिंदुइज्म और जो पार्टी को निराधार आरोप करते रहे उनको बेकार कर दिया, इस पर आप कहना चाहते हैं? बेशक, क्योंकि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक पार्टी है, और ये पार्टी हर तरह का, हर मजहब का लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसका पहला प्रमाण जब एनडीए ज़माने में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को हमने प्रपोज़ किया, हर पार्टी इसको समर्थन किया, और वो मुसलमान थे और दलित श्रेणी से उठ के आए थे। आज वही बीजेपी पार्टी ने सबसे बड़े संख्या में आज लोकसभा मौजूद हैं, जिनके नेता हैं युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भी एक हिंदू दलित समाज से उठ के आए हैं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब और एक जननेता दलित समाज से उठ के आए हैं और सबसे ज़्यादा वोट से चुन करके आज रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति बन गए हैं, और वो भी आज दलित समाज से ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर एक कम्युनल पार्टी होता तो आज इतने सारे जननेता दलित से लेकर मुस्लिम तक आज बीजेपी के बैनर से आज देश को बाहर नहीं मिलता। तो ये कांग्रेस तथा विरोधियों का खोखलापन जाहिर करता है, और ये राजनीति जो 70 साल से लोग चला रहे हैं, तुष्टिकरण का राजनीति, उसको खात्मा करने के लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन पे उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा एक कैंडिडेट को खड़ा किए हैं जो भी एक हिंदू दलित समाज से आए हैं, किसान और दलित से आए हैं। तो इस तरह से बीजेपी जो छवि सारा विश्व और भारत में रख रही है कि ये सबका साथ सबका विकास वाला पार्टी है, ये कोई विशेष धर्म का पार्टी नहीं है, विशेष धर्म का तुष्टिकरण का पार्टी नहीं है। कहीं ना कहीं सभी विपक्ष बिखरी हुई नजर आ रही है, वहीं लालू यादव बीजेपी हटाओ, ममता बनर्जी बीजेपी भगाओ, मायावती बीजेपी हटाओ, कहीं ना कहीं विपक्ष में एक बीजेपी हटाओ का एक नारा लगता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कल पहुंची है दिल्ली, अब वो सभी विपक्ष से मिलना चाह रही है, मायावती भी विपक्ष से बात कर रही है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी हटाओ को लेकर के विपक्ष एक साथ आ रही है? आप अगर गौर से देखें तो ये जो पार्टी बीजेपी हटाओ नारा लगा रही है, उनको जनता ने हटा दी है, नहीं तो हटाने वाले हैं। आज मायावती के नाम वो निशाना यूपी में नहीं है, राज्यसभा की सीट भी उनको छोड़ना पड़ा। आज लालू प्रसाद यादव अपना सारा फैमिली को लेकर के जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, आने वाला दिन पे उनका सहयोगी दल तथा जनता, बिहार के जनता, उनको भी हटाने के मूड में है। और आज ममता बनर्जी अपना एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल में भी हटने के कगार पे हैं। आज दार्जिलिंग से लेकर बशीरहाट से लेकर सारा बंगाल जल रही है, और बंगाल का जनता देख रही है ये जलने के पीछे किनका मानसिकता है, किनका ये सबसे बड़ा अवदान है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। और ये ममता बनर्जी सबको साथ लेकर उस बीजेपी को हटाने के ख्वाब देख रहे हैं जो 14 स्टेट में अपना शासन कायम कर चुके हैं। तो ये पागलपन, वो जल्द से जल्द अगर ठीक ना करें तो शायद उनके पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा खबर नहीं आने वाला दिन में।